स्वागत है सभी का एचएल ट्रिक की जीके क्लास में। फर्स्ट पॉइंट देखिए, मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स। जबकि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक। बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रश्न, इनका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करें। देखिए, थॉर्नडाइक के सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया। संयोजनवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा ही दिया गया। संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा ही दिया गया। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया। और SR थ्योरी के जन्मदाता कोई और नहीं, थॉर्नडाइक ही है। और बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत के प्रतिपादन करता है थॉर्नडाइक। तो ये महत्वपूर्ण उपयोगी प्रश्न जरूर देखिए, पूरा देखिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, विने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादनकर्ता कौन थे? विने साइमन। जबकि बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन थे? विने। जबकि एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? विने ने दिया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण, बुद्धि का द्वे शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। और बुद्धि का द्वे खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने ही दिया था। तो ये महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्धांत एक ही स्थान पर, एक ही जगह पर मिलता हुआ आपको। बुद्धि का तीर आयामी सिद्धांत किसने दिया था? गिलफोर्ड ने। और बुद्धि का संरचना का सिद्धांत किसी और ने नहीं, गिलफोर्ड ने ही दिया था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। जी हाँ, बहुत ही उपयोगी, समूह खंड बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादनकर्ता थ्रस्टन थे। और वहीं पर बात करें युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादनकर्ता थ्रस्टन थे। वहीं बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादनकर्ता थ्रस्टन थे। और सम दृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादनकर्ता भी थ्रस्टन ही थे। तो ये महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रश्न बहुत ही उपयोगी हैं आपके परीक्षा के लिए। धन्यवाद।